बाद देश के दूर दराज के इलाकों में होने वाले कनेक्टिविटी की, लद्दाख में चीन की चुनौती से निपटने के लिए सरकार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर तेजी से काम कर रही है। जी हां, मंगलवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के टनल का मुआयना किया और पहली टनल जेड मोड टनल जो कि श्रीनगर को सोनमर्ग को एक तरह से जोड़ती है, जबकि जो दूसरी टनल होगी वो जोजीला टनल होगी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में बन रही है। हम पहले आपको जेड मोड टनल की रिपोर्ट दिखाते हैं। यह टनल अगले साल पूरी तरह से खुल जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। कठिन भौगोलिक परिस्थिति और मौसम की चुनौती चीन को हमेशा फायदा पहुंचाती आई है। उसकी खुद की प्राथमिकता एलएसी के बिल्कुल पास सड़कों का जाल बिछाने की रही है, लेकिन वो ठीक ऐसा ही भारत को करने नहीं देना चाहता। लेकिन अब सब बदल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पहाड़ों को काटकर सड़क बनाए जा रहे हैं। जहां ये मुमकिन नहीं वहां पहाड़ों में ही सुराख किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच बनाया जा रहा जेड मोड टनल का काम अपने आखिर दौर में है। दिसंबर 2023 तक जेड मोड टनल चालू करने की डेडलाइन थी, लेकिन इसे एक साल पहले जुलाई 2022 में खोल दिया जाएगा। टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। लागत 2300 करोड़ रुपए की आई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टनल का दौरा किया, अफसरों से रिपोर्ट ली। मैं आपको बता दूं कि 2300 करोड़ की लागत से लगभग जो ये पूरा जो टनल है वो लगभग तैयार किया जा रहा है। टनलिंग का काम पूरा हो गया है, फिनिशिंग का काम बाकी है, लाइटिंग बाकी है, ये रोड जो हैं वो तैयार हो रही हैं और इसके बाद सीधे सैलानी हो चाहे आम आदमी हो चाहे किसी भी तरह की आपूर्ति की जानी हो वो सीधा 12 महीने श्रीनगर से सोनमर्ग की घाटी तक जा सकेंगे। सोनमर्ग का ये इलाका 8,960 फीट की ऊंचाई पर है जो ठंड के वक्त 7.8 मीटर तक की बर्फ में ढक जाता है, यानी सड़क पूरी तरह से बंद रहती है। कुछ महीने तक होटल, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग और ट्रेकिंग का कारोबार ठप भी रहता है, लेकिन जेड मोड टनल के एक्टिव होने से हालात बदल जाएंगे। अगर इसी साल सुरंग को आंशिक रूप से खोल दिया जाएगा तो ऐसा पहली बार होगा कि सर्दियों में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी देश से नहीं कटेगी। कश्मीर का जीवन बदल जाएगा, ये 6-6 महीने कट हुए जी, ना गैस मिलता है ना पेट्रोल मिलता है और सब्जियां भी स्टोर करनी पड़ती है। उनका जीवन आप ही इमेजिन करो लद्दाख लेह में क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम हमारी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमें करने का अवसर मिला। मोदी सरकार में रोड कनेक्टिविटी बड़ी प्राथमिकता रही है। इरादा ये है कि सड़क आएगी तो विकास होगा और टूरिज्म भी विकसित होगा। इससे बॉर्डर के इलाकों में सामरिक ताकत बढ़ेगी, सेना कंट्रोल, पेट्रोलिंग और मूवमेंट तेजी से कर पाएगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पकड़ मजबूत होगी। गौरव श्रीवास्तव, सोनमर्ग, टाइम्स नाउ, नवभारत।